बंदा ये कह रहे हैं कि अपनी 10 विधायक दस पर लेकर आए, हम उनका साथ देंगे। सुंदर हुड्डा के पास ज्यादा एमएलए है कि हमारे पास ज्यादा है? वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते, हम तो मदद करने के लिए तैयार। हमने तो सबसे पहले लिख करके गवर्नर को दिया था कि सरकार माइनॉरिटी में है, हम इसके खिलाफ है, अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है तो हम उनके साथ रहेंगे। नवीन जैन ने ऐलान किया है राज्यसभा सांसद के लिए, क्या समर्थन करेंगे? देखो, अगर वो इस पोजीशन में आते हैं तो जरूर करेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए 10 उसको नॉमिनेट करने वाले भी चाहिए। अगर इस पोजीशन में वो आएंगे तो जरूर मदद करेंगे। कोई शाह दौरे पे आओ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। कुछ लोग थोड़े समय पहले कहा करते थे 75 पार गए, यमुना पार 40 पे आ गए। कुछ लोग छाती पे उंगली मार मार करके कहते थे 400 पार रह गए, 250 से 240 से भी नीचे। और परसों चौथे में अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो कह रहा था 60 सीटें लेकर के जीतेंगे। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, तेरी सीट की गारंटी है क्या तेरे को अपने आप? तेरी तो अपनी भी नहीं है, जो खुद देने वाला था, सब कुछ करने वाला था, उसकी भी भूख निकल गई। तो ये फैसला तो लोगों ने करना है। तूने तो पहले तो सोनिया गांधी के आगे हाथ जोड़ के टिकट काटी है, फिर राजीव गांधी का कुर्ता पकड़ के घूमना है, फिर उसकी लड़की की चुन्नी उठानी है, और फिर कहीं वेणुगोपाल जैसों की चप्पल उठानी है। तेरी तो खुद की टिकट भी चमचागिरी से मिलेगी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।